त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री प्रांजित सिन्हा रॉय ने सोमवार को मेलाघर स्थित नीरमहल का दौरा किया, जो कि पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे पहले अतिथि गृह गए, जहां एक बैठक में अतिथि गृहों को अपग्रेड करने और पर्यटकों के लिए नए अतिथि गृहों के निर्माण का निर्णय लिया गया। समस्त ऑफिशियल्स जरा আমাদের পিডব্লিউডি নিয়ে আমাদের টুরিজম দপ্তরের সেক্রেটারি ডাইরেক্টর ম্যানেজিং ডিরেক্টর বাকি সমস্ত এসডিএম থেকে শুরু করে সব ডিপার্টমেন্টের অফিসার আমাদের সঙ্গে আজকে এখানে আছে। আমরা এগুলো নিয়ে ভাবছি, এখানে ভিতরে টুরিস্টরা আসে, যেমন একটা বেবি কেয়ারের একটা স্থান থাকা উচিত, একদম মানে একটা হ্যান্ডিক্যাপদের জন্য একটা বসা বা তাদের টয়লেটের ব্যবস্থা করা উচিত, আমরা সেগুলো করেছি। অনেক সময় বিভিন্ন ভিআইপিরা আসে, তাদের জন্য বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাকি এখানে যারা টুরিস্ট আসবে তাদের জন্য লাইট অ্যান্ড মিউজিক বিভিন্ন থেকে, এবং এগুলো আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট করার জন্য এখানে আসা, এবং সঙ্গে এমনি নির্মল দেখে গেলাম। আর নির্মলের মধ্যে এই যে রাজাদের প্রাচীন সময়ে কোন কোন কক্ষগুলোকে কীভাবে ব্যবহার করতেন, এই ব্যবহার সঠিকভাবে নির্ণয় করে আমরা সেগুলোভাবে সবার সামনে তুলে ধরব। নীরমহল কে বিকাশ কে লিয়ে ভি কুছ পরিযোজনায় হাথ মে লি গই হ্যায়। ওহি লোক নির্মাণ বিভাগ কি লম্বিত পরিযোজনাও কো ভি শুরু কিয়া জায়েগা। নীরমহল এক পূর্ব শাহী মহল হ্যায়, জিসকা নির্মাণ ত্রিপুরা কে রাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর নে কিয়া থা। मंत्री ने मीडिया के समक्ष पूर्व सरकार पर नीर महल के रखरखाव में लापरवाही का आरोप लगाया। এটার জন্য আমরা রাজন্য মানে রাজ পরিবারের যারা প্রাচীন ব্যক্তিত্ব আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে সঠিক স্থান সঠিকভাবে আমরা প্রবেশ করবো, বিভিন্ন নিয়ে কাজ করব, সাজিয়ে তোলার চেষ্টা করছি নির্মলকে, এবং এটা নিয়ে সমস্ত দপ্তর খুব সহসায় আমরা এগুলো কাজ করার জন্য। ধর্মনগর युवा कांग्रेस ने आज ধর্মনগর कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया, जिसके बाद ধর্মনগর की सड़कों पर एक विशाल रैली निकाली गई। भारत बचाओ आंदोलन के तहत इस रैली का आयोजन किया गया। युवा कांग्रेस का आरोप है कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है त्रिपुरा के बेरोजगारों के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। बीजेपी के शासन में किसान बर्बाद हुए हैं और महिलाएं असुरक्षित। प्रदेश के युवाओं और छात्र छात्राओं का भविष्य भी अधर में है। देखिए, सारे देश भर में अभी जो हालात पैदा हुआ है, जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हुआ है, तो हमें उसे सारे देश भर में भारत बचाओ आंदोलन कर रहे हैं, जहां पर युवाओं मतलब नौजवान जवान और किसान जहां पर मर रहे हैं उनके लिए भारत बचाओ जन आंदोलन सारा भारतवर्ष में हो रहा है, और त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस की तरफ से सारे प्रदेश में और सारे जिले में ये भारत बचाओ जन आंदोलन करने के लिए आज ধর্মনগর में। सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन ने अखिल भारतीय फुटबॉल संघ को एक चिट्ठी लिखकर रेफरी बोर्ड को एक साल के लिए स्थगित करने की मांग की है। रेफरी बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर मीडिया को इस बात की जानकारी दी। रेफरी बोर्ड के सदस्यों ने कहा कि अखिल भारतीय फुटबॉल संघ को चिट्ठी लिखने से पहले सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन को हमसे बात करनी चाहिए थी, ताकि आपस में सुलह हो सके। यह समय आपस में लड़ने का नहीं बल्कि खेल के विकास का है। उन्होंने बताया कि दरअसल पिछले सप्ताह बी डिवीजन एस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का एक मैच इसलिए कैंसिल हो गया था कि ठहरने की उचित व्यवस्था और अन्य सुविधाओं के अभाव में रेफरी मैदान में नहीं आया था। हम सिर्फ रेफरियों को ठहरने के लिए उचित सुविधा की मांग कर रहे थे। एक सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन से एक
ये रिलीज प्रेस रिलीज हुआ था जिस पर लिखा था कि सिक्किम रेपिस बोर्ड इज सस्पेंडेड, इस विषय में थोड़ा मैं जानकारी एसएफए से जानना चाहता हूँ कि वो लोग ने किस बेसिस में, किस आधार पर सिक्किम फुटबॉल रेफरीज को उन लोगों ने सस्पेंड किया है ना, क्योंकि इफ दे वांट टू सस्पेंड द रेफरीज बोर्ड दे शुड हैव रिटर्न टू रेफरीज बोर्ड आल्सो। वो लोग हम लोगों को भी थोड़ा लेटर भेजने से अच्छा था डायरेक्टली प्रेस में ना जाकर हम लोगों के साथ थोड़ा सुलह करने से अच्छा था। ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि एनएससीएन के से आतंकवादी टैग हटाया जाए और शांति वार्ता शुरू किया जाए। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि आम लोगों के बीच शांति और सद्भाव का माहौल बने तथा सेना और सशस्त्र संगठनों के बीच संघर्ष समाप्त हो। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ईएनपीओ के अध्यक्ष टीके इमचंगर ने कहा कि इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को संबोधित राज्य के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है और हम केंद्र से किसी जवाब की प्रतीक्षा में हैं। साथ ही एनएससीएन के साथ संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। इधर फ्रंटियर नागालैंड की मांग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह मांग पूर्वी नगाओं की भलाई के लिए है क्योंकि पूर्वी क्षेत्र के नगा लोग हर क्षेत्र में उपेक्षित है। This removing of tag of the NSNK, this decision was taken collectively, okay, along with the tribals, frontals, and all the executive of ENPO. You see, ENPO people, we are really fed up of violence. As a peace-loving citizen, we want to miss maintain peace and tranquility in our area.